करनाल में कोविड 19 के एक्टिव केसेस की संख्या तकरीबन 5300 है और तकरीबन 4000 के करीब लोग होम आइसोलेटेड हैं। हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों की उपस्थिति हो सकती है, पर घर में हर वक्त डॉक्टर या मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। अब करनाल में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होम आइसोलेटेड वाले मरीजों का इलाज कर सकेंगे। एक स्टूडेंट 25 होम आइसोलेटेड मरीजों को फोन करके उनके हालचाल, उनकी दवाइयों की स्थिति के बारे में पूछेगा और साथ में उनको पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्या करना है ये भी बताएगा। चीजें हमें बताई गई हैं, वो हालांकि हमारी जो अभी क्लासेस चल रही हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें भी ये चीजें हैं शामिल, लेकिन यहाँ पे एक डेडिकेटेड केयर के माध्यम से उन्होंने ये शिविर रखा था आज के लिए। इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी, इसके नोटिस आ चुके थे और आज जैसे DC साहब की अध्यक्षता में और ये मीटिंग हुई है उसके ऊपर स्टूडेंट्स में भी काफ़ी पॉजिटिविटी है इस चीज़ को लेते हुए और स्टूडेंट्स इस चीज़ को खुद से और आगे बढ़ने के इस तरह के इनिशिएटिव के बारे में पहले से सोच रहे थे, तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। जैसा कोविड की डेडिकेटेड मॉनिटरिंग हो गई और जो होम आइसोलेशन की जो केयर है उसके अंदर जो MBBS के 3rd ईयर और 4th ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कल्पना चावला के, वो डेडिकेटेडली केयर में हेल्प। इसमें जो हमने देखा था, एक तो ये कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं 90% से ज़्यादा लोग घर पे हैं होम आइसोलेट में। एक तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई कि हर रोज दिन में 2 बार उनको कोई डॉक्टर कॉल करते हैं, तो ये 200 हमारे MBBS स्टूडेंट हैं, हर किसी को 25 पेशेंट्स बांटे जाएंगे। कल आज से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा, कल से ये सुबह और शाम हर रोज पेशेंट्स को कॉल करेंगे। जो होम आइसोलेशन हम किट देने जा रहे हैं उसमें थर्मोमीटर भी होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन टेम्परेचर वो सारी चीज़ें ये बच्चे नोट करेंगे, स्टूडेंट्स नोट करेंगे, और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि किसी पेशेंट की हालत सीरियस है तो उसके लिए हमें एक 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है, कल तक वो फंक्शनल हो जाएगा। बीना बैंकेट हॉल में हमने शुरू किया है, तो वहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन सपोर्ट रखा हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे उनको हम हमारी एम्बुलेंस जा कर के लेके आते हैं वहाँ एडमिट। सबके लिए ये सारे के सारे 100 बेड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व है कि जो होम आइसोलेटेड लोग हैं, इन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से उन जिस लोगों को हर रोज़ वो कॉल करेंगे, उनके डिटेल देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में इस पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे सारे लोग जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी के इसमें योगदान देने में लगे हुए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छा अवसर है। तो सबको ये बताया गया है कि आपने जो है आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं उनको कैसे डील करना है, आपने क्या पूछना है, आपने उनको कैसे ग्रीट करना है, रात को उनकी कॉल आती है तो कैसे टर्न करना है, आपने उन्हें जो कंसल्टेंट है कैसे उनको अप्रोच करना है, किस पेशेंट को क्या डिसाइड करना है कि वो ट्रायल में जाएगा या जो फील्ड हॉस्पिटल में जाएगा या कल्पना चावला में। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इस परफॉर्मेंस का फायदा उनको उनके प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरी TV भारत।